कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है इस बार हरियाणा का विधानसभा और कुलदीप वत्स ने ओम प्रकाश धनखड़ को करारी शिकस्त दे चुके हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी की लहर जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई जीत से हम बहुत बहुत खुश है उससे ज्यादा खुश हम ओम प्रकाश धनखड़ के हार से है अहंकार पर विनम्रता की जीत इसे बोल सकते हैं अहंकार पर विनम्रता की जीत क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को हमेशा ही एक घमंडी नेता का तमगा दिया गया पर बादली हल्के ने उन्हें बता दिया है कि सत्ता सदैव किसी के पास नहीं रहती सत्ता आने जाने वाली खेल है आने जाने वाला खेल है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो हार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हाँ जी बिल्कुल क्या लगता है बिल्कुल हार की तरफ बढ़ते कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है सरकार बनाएंगे हमेशा घमंडी का सरनेचा होता है मंत्री घमंडी था बहुत बारिया और घमंड की बात क्या करता पूरे 5 साल हमने घमंड की हम आप ही घमंड की बात कर नहीं सकते थे उसे सभी 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 मीडिया नारा दे रही थी वो 75 पार नहीं सरकार भी नहीं बना रही है यहाँ तक कि न्यूज़ जो आ रही है उसमें मनोहर सरकार को मुख्यमंत्री तक भी वो नहीं बनाना चाहते नॉन जाट की राजनीति करते थे लेकिन अब की बार उनके सभी मंत्री धूल चाटते नजर आ रहे हैं भाई साहब हमें कृषि मंत्री से मिलने गए थे तो वे बोले कि मरोड़ काट देना इलेक्शन में तो कृषि मंत्री को बताना चाहते हम कृषि मंत्री आपकी मरोड़ काट दी और छुच्छकवाल सोरा से ये कहना चाहता हूँ रास्ता छोड़ दो धनखड़ जी आ रहे दादरी के लिए रवाना हो चुके हैं मंत्री जी को बोल दिया है कि आप रास्ता छोड़ दे दादरी आ रहे हैं दादरी में भी जनाब क्या करेंगे दादरी भाई साहब ये डब्बे गणेंगे स्टेशन पर बैठे बैठे ही पे भाई धनखड़ का दाना लगा मशीन को चलने का धनखड़ का मशीन है भरोसा है भाई दात पात की राजनीति का भरोसा है लेकिन वोट की चोट का जो हमने फैल कर दी है हम आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे इतनी जो भीड़ है अभी डॉक्टर नहीं आए हैं लेकिन उनके लिए उन्होंने पूरा माहौल तैयार कर दिया है मीडिया पर भी साफ आरोप लगाए कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं दिखा रहे थे लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रही है क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ लगातार ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर डॉक्टर कुलदीप बस कटाक्ष करते आ रहे थे पिछले 6 महीने से उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं उसे हराऊंगा और वो करके दिखाया है और करीब करीब 18 से 20 हजार वोटों से उन्हें वो शिकस्त देने जा रहे हैं जी गवर्नमेंट रावण का नारा है इसका कितने मैं गांव लोहारी से राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ जी धनखड़ साहब ने जो काम करे हमारे बादली क्षेत्र में वो जाति पात और गांव का बढ़ने का काम किया था और ये आपके सबके सामने और भी 2 दिन से जो हो रहा है आपको सबको नॉलेज है मैं ये कहना चाहता हूँ अगर भूपेंद्र थोड़ा बोलो थोड़ा सबको बोलना भूपेंद्र हुड्डा जी को अगर 2 महीने पहले टाइम मिल जाता और ये भाई दीपेंद्र हुड्डा की हार का बदला लिया गया है दीपेंद्र हुड्डा की हार का बदला गया है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जब भी बादली हलके में आए थे बादली हलके के लोग उन्हें पूरा प्यार करते हैं पूरा स्नेह करते हैं उन्होंने कहा अब की बार बारी है मेरे बदले की और बदला ले लिया है जनाब एक बादली हलका नहीं जिसने ओम प्रकाश धनखड़ ने 5 साल में जनता के नाक में दम कर रखा था उसकी तो जमानत तब होनी चाहिए युवा है रोजगार नहीं मिला क्या रोजगार क्या जिसने किसानों के बीच हर वर्ग को परेशान की है युवा बेरोजगार है काफी देर से ये अंकल बात करना चाह रहे हैं और पीले कुत्ते में पूरे पॉलिटिशियन जी नाम क्या है मेरा नाम राय दया मैं सूरज के गांव से बिलोंग करता हूँ डॉक्टर साहब के गांव से लीड है कि नहीं आपके गांव से पहले ये तो बता दो बिल्कुल लीड है जी सूरज के गांव से लीड है और मैं 27 के साथ कह रहा हूँ के धनखड़ जी ने जो भी किया वो लड़ाई झगड़े के अलावा कई मामले के ऊपर उतर गए हेलो बताएं सर रिपोर्टिंग काम करता हूँ मेरे पास पूरे हरियाणा और पूरे जिले के हाथ में आते हैं वो उन्हें कहते हैं तानाशाही सरकार से हमने छुटकारा चाहिए और तानाशाही सरकार से हमारा छुटकारा
हो चुका है। तानाशाही किसको बता रहे हैं सर, बताओ ना वो चीज़। बीजेपी सरकार और खट्टर सरकार और अच्छा निरीक्षक है हमारे साथ, जिससे मंत्री आते हैं दावड़ा से, क्या नाम है सर? हाँ जी, कहाँ से? दावड़ा से जी, बताएं। ये जो खट्टर है ये बोलता नहीं, सुना पांच साल टीवी भी नहीं सुनाया हमने जी, इनने कुछ नहीं किया, किसान को मारा, किसान को मारा है, किसान को मारा है। अंदर का आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा, अंदर एक दो मिनट अंदर डॉक्टर कुलदीप वत्स के कांग्रेस प्रत्याशी के ऑफिस से लाइव दिखा रहे हैं आपको। लोग बड़ी धूमधाम से यहाँ पे जश्न मना रहे कुलदीप की जीत का। Gracias.